हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बेल्ट को दोनों साइड से पकड़ के, सेंटर से पकड़ के पीछे वाले पे कट लगा लेंगे। पीछे वाले का सेंटर बना लेंगे उसको कट लगा के। ठीक है, ये हमारा बैक का सेंटर है और वो जहाँ पे हम नारा डालेंगे वो फ्रंट का सेंटर है हमारा। ठीक है, तो पीछे जो हमने प्लेट्स डाली थी 3-3 इंच की, उसके सेंटर में हम बेल्ट का जो सेंटर लिया था उसको लगा लेंगे। अब इस पे सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, ये हमने पीछे का सेंटर से सेंटर मिला के जोड़ लिया है। अब कपड़े को पकड़ते पकड़ते हम इसको सामने वाले साइड पे सिलाई लगाएंगे। कपड़े को आराम से पकड़ना है और सामने के दोनों सेंटर को मिलाना है, बेल्ट के सेंटर को और जो हमने प्लेट्स डाली थी उस सेंटर को। दोनों सेंटर को मिला लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। बीच की सिलाई लगा के इसको भी तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम बेल्ट दोनों को पकड़ के सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे दोनों कपड़ों को पकड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। बेल्ट का कपड़ा अगर छोटा बड़ा हो जाता है तो हम प्लेट्स खोलेंगे और फिर दोनों को बराबर करके सिलाई लगा लेंगे। वैसे तो हमारा जैसे बेल्ट छोटा भी हुआ या फिर बड़ा हुआ, जो भी होगा, बट हमें प्लेट्स खोलनी है। अगर हमारा प्लेट्स खुल जाएगा, अगर हमारी बेल्ट बड़ी है तो प्लेट्स खोलेंगे और थोड़ा समय से निकाल लेंगे। अगर हमारा बेल्ट का कपड़ा कम है और सलवार जो भी पार्ट और कली का कपड़ा ज्यादा है, तो उसमें हम एक और चुन्नट डाल देंगे, उसके अंदर एक और प्लेट्स डाल देंगे। ठीक है, ऐसे कपड़े दोनों कपड़ों को पकड़ना है और पिनअप कर लेंगे तो हमारी आसानी हो जाएगी। पिनअप करने में कोई झोल वोल नहीं आएगा। ठीक है, अभी हमारा ये जो पार्ट था वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, तो उसमें हमने एक प्लेट डाल ली है और दोनों को बराबर बराबर करके सिल लिया है। ऐसे ही पूरे में सिलाई लगा लेंगे, पिंस निकाल लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे ही पूरे में ही हमको सिलाई लगानी है। ठीक है, ये पीछे का जो सेंटर था वो ले लिया है। इस पे भी डबल सिलाई कर देंगे एक बार। एक सिलाई तो हमने पहले लगा ही रखी थी, ये दूसरी सिलाई हम लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही इसको पकड़ते पकड़ते हम इसको दूसरी साइड के साइड भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों कपड़ों को बराबर बराबर करके ही सिलाई लगाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा बेल्ट का कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे हम एक प्लेट खोलेंगे और दोनों को बराबर करके ही सिलाई लगाएंगे। ठीक है, छोटी से कम प्लेट डलेगी, छोटी से प्लेट डलेगी और उतनी ही प्लेट हम डालेंगे इसके अंदर, और दोनों को बिल्कुल बराबर करके ही सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि कहीं भी चुन्नट का नहीं आएगी, कोई भी झोल नहीं आना चाहिए हमारे बेल्ट में, नहीं तो बेल्ट की जो लुक है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके हमने पूरे पे सिलाई लगा ली है। ठीक है, अब कपड़े को सीधा करेंगे और जो अंदर का आधा इंच का जो कपड़ा था उसको ऊपर साइड करके हम बेल्ट के ऊपर सिलाई लगाएंगे। एक पैर की सिलाई लगाएंगे। ठीक है, एक पैर की सिलाई मतलब कि 2 पॉइंट की सिलाई लगाएंगे, 1.25 इंच की। ठीक है, ऐसे ही हम कपड़े को ऊपर करते जाएंगे और सिलाई लगाते रहेंगे। कपड़े को ऊपर करेंगे और सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारा कपड़ा बिल्कुल बैठ जाएगा अच्छे से, झोल नहीं आएगा उसके अंदर और बिल्कुल अच्छे से इसकी फिनिशिंग भी आएगी, इसलिए हम इस पे एक पैर की सिलाई लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा बैक का था जो सेंटर में लिया था वो चीज है। इस पे भी ऐसे ही पूरे ही बेल्ट पे सिलाई लगानी है हमें। पूरे बेल्ट को सिक्योर कर देंगे अच्छे से, जो उसका आधा इंच का जो कपड़ा था उसको ऊपर करते जाएंगे और सिलाई लगाते रहेंगे। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता, हम इसको पूरे पे ही सिलाई लगानी है, जिससे कि हमारे प्लेट्स जो हैं वो भी अच्छे से बन के तैयार हो जाएंगी और उस पे भी इधर उधर से कोई कहीं से भी झोल नहीं आएगा। वो फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है इसको, इस सिलाई को लगाने से। ठीक है, तो ये हम सेंटर में आ गए हैं और यहाँ पे हम डबल सिलाई, हल्की सी डबल सिलाई लगा लेंगे, सिक्योर कर लेंगे कहीं हमारी सिलाई ना खुले।
इसलिए ठीक है उसको काट लेंगे। ये देखो हमारी प्लेट्स बिल्कुल कितनी अच्छी से बन के तैयार हुई है, और यहाँ पे हमने बेल्ट भी इसको जोड़ दिया है। तो अब हम इसको, ये तो हमारा ऊपर तैयार हो गया था, अब हम इसकी जो पोंछे की है पोंछे को तैयार करेंगे। ठीक है, तो पोंछा हमारा कितना भी, जितना 7 इंच का पोंछा था हमारा, 7 इंच और प्लस 7 इंच मतलब 14 इंच, और एक एक इंच या दो दो इंच प्लस कर लेंगे, सिलाई लगाएंगे इसलिए। तो जो हमारे पोंछे की चौड़ाई है वो हम 1 इंच का रख रहे हैं, तो हमारा कपड़ा जो होगा 1 इंच ना रख के हमने यहाँ पे 2 या 1.5 इंच रखा है। तो जितना इंच का हमारा पोंछा का वो जो बुकरम है या फिर पेस्टिंग जो भी होती है उसको हम लेते हैं, तो उसका 1 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि हमें आधा इंच नीचे से सिलाई में लगाना होता है, प्लस आधा इंच हमको फोल्ड करना होता है ऊपर की साइड से बुकरम को। तो इसलिए हम 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं, जो कि हमारा मार्जिन होता है कपड़े का। ठीक है, तो अब हम इसको बराबर बराबर नाप लेंगे, जैसे हमने बताया था कि 7 इंच और प्लस 2 मतलब 7 7 14, 14 4 मतलब 18 ले लेंगे, 18 इंच का ले लेंगे। और उसके बाद हम सिलाई लगा लेंगे दोनों को एक साथ पकड़ के। ठीक है, ये कपड़ा हमने बराबर कर लिया इसके साथ, और अब हम इस पे सिलाई लगा लेंगे, एक साइड से पकड़ेंगे और कपड़ा फोल्ड करते हुए ही सिलाई लगा लेंगे इस पे। कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। नीचे की साइड जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है ना, जो हमारा फोल्ड किया हुआ कपड़ा नहीं है, वो आधा इंच ही होगा, आधा इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो आधा इंच हमने मार्जिन लिया है नीचे फोल्ड करने के लिए, अगर हम एक्स्ट्रा ले लेंगे तो हमारी सलवार की जो लेंथ है वो छोटी हो सकती है, इसलिए हमने आधा इंच ही लेना है, आधा इंच से ना कम लेना है और ना ही ज्यादा लेना है। ठीक है, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम बुकरम के साथ ही फोल्ड कर देंगे। कपड़े को बहुत ही ध्यान से पकड़ते हुए हम इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे। दोनों दो पोछे की पट्टी बनाई है हमने दोनों साइड लगाने के लिए, एक उस वाले पैर के लिए और एक उस वाले पैर के लिए। अब इसको इक्वल इक्वल नाप लेंगे, बीच में सेंटर में निशान लगा लेंगे। जो हमारा सलवार का नीचे का साइड था उसको सिलाई से सिलाई मिला के इसका भी सेंटर ले लेंगे। ये हमने सिलाई से सिलाई मिलाई है और इसका सेंटर ले लेंगे। सेंटर से सेंटर रख के हम इसको जोड़ेंगे। जैसे मैंने बताया था कि सीधे कपड़े पे उल्टा कपड़ा रखो कि सिलाई लगती है। ठीक है, ठीक है, ये हमने सेंटर से सेंटर मिला लिया। इसका हमने पोचे का जो सेंटर लिया था और प्लस जो सलवार का सेंटर लिया था, दोनों सेंटरों को मिला के हम इसको तैयार कर लेंगे। इस अब से हम सिलाई आधा इंच का ही सिलाई लगाएंगे, आधा इंच से एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, आधा इंच की ही सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ये हमने एक एक पैर जोड़ लिया है और ये हमारा दूसरा पैर है, इस पे भी उसी तरह सिलाई लगा लेंगे, सेंटर से सेंटर मैच करके सीधे पे उल्टा कपड़ा रखेंगे। अब हम इसको पलटेंगे, पलट के हम इसके किनारे की सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले किनारे की सिलाई लगाने के बाद ही हम ऊपर की सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले कपड़े को हल्के हाथों से पीछे करना है और किनारे की सिलाई लगानी, बिल्कुल किनारे की सिलाई होनी चाहिए, सिलाई नीचे नहीं उतरना चाहिए। बिल्कुल आराम से ध्यान से हम उसको सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हम दूसरे पैर पे भी सिलाई लगा लेंगे, और ऐसे ही अब पहले हम ऊपर की सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ये जो हम ऊपर की सिलाई लगा रहे हैं इसको बिल्कुल अच्छे से सिलाई लगानी, कहीं भी कपड़ा खिंचना नहीं चाहिए, कहीं पे भी झूल नहीं आना चाहिए हमारा, हल्के हाथों से करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसके अंदर कोई सा भी डिजाइन डाल सकते हैं, आप स्ट्रेट लाइन का डिजाइन डाल लीजिए या फिर टेढ़-मेढ़ी सिलाई लगा लीजिए, जैसे आपको सुटेबल हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इस पर सिलाई लगा सकते हैं। सीधी लाइन की सिलाई भी अच्छी लगती है, सिंपल सोबर अच्छा लगता है, या फिर आप उसमें टेढ़ी मेढ़ी सिलाई लगा के भी उसे पूरा कर सकते हैं। बस डिजाइन अच्छा होना चाहिए, लुक पोंछे से ही आती है, सलवार की सलवार का पोंछा ही दिखता है एक तरीके से, अगर कोई भी देखता है तो।
इसलिए पोंचे अच्छे होने चाहिए, पोंचे अच्छे होंगे तभी लुक अच्छी आएगी सलवार की। ठीक है, तो ऐसे ही हम दोनों पे एक ही जैसे डिजाइन बनना चाहिए। जैसे अगर हम स्ट्रेट लाइन बना रहे तो दोनों पे ही स्ट्रेट लाइन बनाए, या फिर एक पे हम टेढ़ी मेढ़ी सिलाई चला रहे तो दूसरे पे भी बिल्कुल वैसे ही सिलाई चलाए। दोनों पैर का जो डिजाइन होता है वो बिल्कुल सेम होता है, अलग अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे सलवार थोड़ी बेकार दिखेगी। आप दोनों पे ही एक जैसा सिलाई बनाए, एक जैसा डिजाइन बनाए इसके ऊपर, तो अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, ये हमने स्ट्रेट लाइन लगाई थी, इसके बाद हमने इस पे टेढ़ी मेढ़ी सिलाई डाली है, फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिजाइन बनाएंगे। टेढ़ी मेढ़ी सिलाई का ही डिजाइन बनाएंगे, वो भी अच्छा आता है, सिंपल जल्दी भी बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने दोनों तैयार कर लिया है। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे सिलाई से। सिलाई मिला के 7 इंच का हमारा जो पोंचा तैयार था उसको नीचे की साइड 7 इंचेस लेंगे और ऊपर की साइड 8 इंचेस। ठीक है, ये ऊपर का हमने लिया है 8 इंच, नीचे 7 इंच और ऊपर 8 इंच। ठीक है, इन दोनों को मिला लेंगे और आसन से आसन जोड़कर ऊपर से आधा आधा इंच निशान लगा के, जो 7 इंच का हमने निशान लगाया था ना 8 इंच का, उससे मिला देंगे। ठीक है, आसन के साइड से आधा आधा इंच का निशान लगेगा और नीचे हम इसको तिरछा मिलाएंगे पोंचे की चौड़ाई के साथ। ठीक है, हम निशान लगा लेंगे, आसानी होगी सिलाई लगाने में, हमारी सिलाई भी जल्दी लग जाएगी, फिनिशिंग भी आ जाएगी और ना ही टेढ़ी मेढ़ी सिलाई लगेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट ही सिलाई लगेगी। ठीक है, अब दोनों सिलाई को सिलाई से पकड़ के हम इस साइड भी ऐसे निशान लगा लेंगे जैसे उस साइड लगाया था हमने 7 इंचेस और ऊपर एक साइड 8 इंचेस, और उसको भी आसन से आधा आधा इंच लेके 5-6 इंचेस नीचे तक आधा आधा इंच लेंगे। उसके बाद हम 7 इंचेस को 8 इंचेस से मिला के और फिर आधे इंच से मिला के इसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे, सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं, अगर आपको सिक्योर अच्छे से करना है तो आप इस पर डबल सिलाई लगाइए, जब कभी खुलेगी भी नहीं और सही भी रहेगा आपको। ठीक है, कपड़े से कपड़ा पकड़ के दोनों कपड़ों को बराबर रखना है, आसन से आसन मिला के आधे इंच का जो हमने यहाँ पे निशान लगाया था आसन पे, उसको पकड़ के ही अच्छे से सिलाई लगाएंगे और दोनों कपड़े को बिल्कुल बराबर बराबर रखना है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमने सिलाई से सिलाई मिलाई है और इसको हम सिल देंगे ऐसे ही। ये जो एंड है हमारा, इस पे हम डबल डबल ट्रिपल सिलाई लगा लेंगे ताकि ये हमारा खुले नहीं। ठीक है, यहाँ से हम ले गए, फिर हमने इसको उल्टा किया, फिर हमने इसके ऊपर दोबारा सिलाई लगाई है, हमने 3 बार इस पर सिलाई लगाई है, और उसके बाद अगर आप चाहें तो एक बार और सिलाई लगा सकते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है 1-1 इंच नाप के आप काट दीजिए। ठीक है, वो एक्स्ट्रा कपड़ा तो जो हमने काट दिया है 1 इंच को नाप के हम एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे। ठीक है, और ये हमारी सलवार बनके तैयार है, कंप्लीट सलवार हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है।